वेलकम टू डीजायर क्लासेस। मैं पवन गुप्ता और ये सीरीज हमारी मैथ्स डेली डोज ऑफ द डे की है। और मैथ्स डेली डोज ऑफ द डे में आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की। यानी दोस्तों, अब तक आपने हमारा 24 क्वेश्चन देखा होगा प्रीवियस। तो जो भी इस पेरेंट्स अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ आप हमारे एक से लेकर 24 तक के वीडियो को देखिए और देन 25 नंबर को देखिए और कंटिन्यू हमारे आने वाले वीडियो को भी देखते रहिए। इसका मतलब है कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना चाहिए इस तरह के रेगुलर अपडेट्स के लिए, क्योंकि ये सेशन ऐसा है जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर किए जाते हैं और सारे के सारे आपका SSC रेलवे वगैरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। और इन सारे क्वेश्चंस का ट्रिक, टेक्निक और टिप्स बताया जाता है कि कैसे आप कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में। और यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं, तो इसलिए ये सीरीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हमारा मैथ्स डेली डोज ऑफ द डे। और साथ में अगर आपको कंटेंट हमारे अच्छे लगते हैं तो लाइक करिए, कमेंट करिए, कोई भी सुझाव देना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की और देखते हैं कि 25 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 25 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और ये आपका सेमी सर्कल से लिया गया है, यानी कि जिसको बोलते हैं हिंदी में अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का मतलब होता है दोस्तों एक सर्कल यानी एक वृत्त का आधा, तो उसी का ये प्रॉब्लम है। और ये टॉपिक आपका किसमें कवर करता है, तो क्षेत्रमिति पार्ट में आता है, जो आपका टू डायमेंशनल मेंसुरेशन होता है। तो दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, कह रहा है किसी अर्धवृत्त की त्रिज्या आर सेंटीमीटर है। आर, देखिए यहां पे आपका दिया है आर सेंटीमीटर, ठीक है। यहां पे आपके क्वेश्चन में कोई डेटा दे सकता है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, कुछ भी दे सकता है। मैं एक जनरल फॉर्मूला डिराइव करके आपको दे दूंगा और आप डायरेक्टली आंसर टिक कर सकते हैं क्वेश्चन को पढ़ के, कैसे वो मैं बता रहा हूं। तो किसी अर्धवृत्त की त्रिज्या आर सेंटीमीटर है, तो इस अर्धवृत्त के अंदर बने सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कि क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि एक अर्धवृत्त है, मैं यहां पर एक अर्धवृत्त बना देता हूं। अर्धवृत्त का मतलब होता है एक वृत्त का जस्ट आधा, यानी कि इस तरह का कुछ आकार बनेगा आपका अर्धवृत्त का। तो एक अर्धवृत्त की त्रिज्या दिया है आर सेंटीमीटर। दोस्तों, एक सर्कल का कोई ना कोई सेंटर होगा, तो ये हमने मान लिया सेंटर पॉइंट, जिसको बोलते हैं केंद्र। और इसकी रेडियस आर सेंटीमीटर दिया है, तो दोस्तों इसका मतलब है कि यहां से यहां तक की दूरी आपका आर सेंटीमीटर है। रेडियस का मतलब होता है कि सेंटर से लेके उसके किसी एक पॉइंट की दूरी को हम लोग कहते हैं रेडियस, जिसको हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या। तो दोस्तों, ये अगर आर है तो हम कह सकते हैं कि ये दूरी भी हमारा स्मॉल आर होगा, रेडियस, ठीक है। अब इसमें एक बड़े से बड़े त्रिभुज बनाना है और उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस अर्धवृत्त में जो बड़ा से बड़ा त्रिभुज बनेगा वो कौन सा होगा। तो देखिए, जो इसका ये है सेंटर पॉइंट, इससे जब आप पीक पॉइंट पे एक लंब ड्रॉ करोगे तो ये सबसे ऊंचा भाग होगा, यानी कि ये सबसे ज्यादा ऊंचाई पे होगा। और यहां से आप एक लंब डालने के बाद जब एक ट्रायंगल बनाएंगे तो इस तरह का एक ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं ट्रायंगल, ठीक है। तो ये आपका एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये अर्धवृत्त के अंदर होगा। तो दोस्तों, ये जो अर्धवृत्त के अंदर ट्रायंगल बना है, इसी का आपको एरिया निकालना है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, यानी जो एरिया होता है, उसका फॉर्मूला होता है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जिसको बोलते हैं हाफ इंटू आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई से आप इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आप देखिए कि आपको चाहिए क्या, यानी कि एरिया निकालने के लिए हाफ तो एज इट इज रखोगे, बेस, दोस्तों देखो, इस ट्रायंगल का बेस यहां से यहां तक की दूरी होगा, यानी इस ट्रायंगल का बेस आपका ये होगा, तो बेस की वैल्यू कितना हो जाएगा, आर प्लस आर, यानी कि बेस हो जाएगा हमारा 2r इंटू। अब आपको निकालना है हाइट। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर सेंटर से कोई लाइन पास कर रहा है और सर्कल के या सेमी सर्कल के किसी एक पॉइंट पे जाके मिल रहा है, तो ये दूरी भी हमारा रेडियस के बराबर होगा। यानी मैं कह सकता हूं कि यहां से यहां की दूरी भी आर होगा, क्योंकि ये सर्कल का रेडियस होगा, रेडियस यानी त्रिज्या होगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि एक सेमी सर्कल के अंदर आपने एक ट्रायंगल बनाया और ट्रायंगल का ये रेडियस आर और ये आर, तो इसका बेस हो जाएगा 2r और इसकी हाइट कितना हो जाएगा, तो आर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये भी त्रिज्या होता है, रेडियस होता है। तो हम क्या करेंगे, हाइट की जगह पे आर रख देंगे, तो 2 से 2 आपका कट जाएगा, तो एरिया क्या मिलेगा दोस्तों, आर स्क्वायर।
और ये यूनिट किस में हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। एरिया का जो यूनिट होता है वर्ग यूनिट होता है, स्क्वायर यूनिट होता है, और अगर आपका रेडियस आर दिया है तो आर स्क्वायर। तो दोस्तों आपने हमारा ये कॉन्सेप्ट तो समझ लिया होगा। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि किसी अर्धवृत्त की त्रिज्या आर सेंटीमीटर की जगह अगर दे दिया, सपोज करिए कि किसी अर्धवृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, हम यहाँ पे अगर 2 सेंटीमीटर कर दें, रेडियस को हमने 2 मान लिया, और आपसे पूछे कि इस अर्धवृत्त के अंदर बने सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपको ना कोई फिगर ड्रॉ करने की जरूरत है और ना कुछ भी करने की जरूरत है, आप सीधे रेडियस का स्क्वायर कर दीजिए, यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और सीधे आप आंसर टिक कर सकते हैं कि अगर किसी अर्धवृत्त की त्रिज्या अगर 2 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा उसके अंदर बने एक सबसे बड़े त्रिभुज का। तो दोस्तों इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन का आसानी से आंसर निकाल सकते हैं विदाउट पेन एंड कॉपी। आपने देखा, यानी कि आपके माइंड में एक पॉइंट सेट हो जाना चाहिए कि अगर हमारे किसी सेमी सर्कल में यानी कि अर्धवृत्त में एक सबसे बड़े अगर त्रिभुज को हम ड्रॉ करते हैं, आपको रट जाएगा, मैं ऐसे बता रहा हूं कि एक अर्धवृत्त में एक सबसे बड़े त्रिभुज को अगर हम ड्रॉ करते हैं और उस त्रिभुज का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो उस सेमी सर्कल के रेडियस का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल दे देगा। और कैसे देगा, क्यों देगा, आप लोगों ने कॉन्सेप्ट को भी समझ लिया, फिगर से मैंने समझा दिया, एरिया निकाल के आपको दिखा दिया। तो अब अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, डेटा जो दिया रहेगा रेडियस, अगर आप रेडियस का वर्ग कर दोगे तो आपको उस त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। यानी कि अगर सपोज करिए कि मैं कहूं, एक क्वेश्चन में बोल रहा हूं कि किसी अर्धवृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है तो इस अर्धवृत्त के अंदर बने सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी दोस्तों आपने सुना होगा कि मैंने रेडियस को दिया है 4 सेंटीमीटर, यानी कि एक अर्धवृत्त का रेडियस 4 सेंटीमीटर है तो उसके अंदर बने सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो दोस्तों आपका आंसर होगा 4 का स्क्वायर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 4 का वर्ग कितना होगा 16, तो आपका आंसर कितना आएगा 16। तो इस तरह से आप सिर्फ रेडियस का वर्ग करके और इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और ये आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। काफी सारे स्टूडेंट सोच ही नहीं पाते हैं कि फिगर कैसे बनेगा, सॉल्व कैसे करना है, लेकिन आप लोगों ने देख लिया कि क्या करना है और फिगर कैसे बनेगा और इस टाइप के प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो इस तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिए आप हमारे साथ, मैं आपको रेगुलर अपडेट्स देता रहूंगा, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, यानी मैथ्स डेली डोज ऑफ द डे 26 में। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।